गुड मॉर्निंग, कैसे आप सभी? आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे। आप सभी को सुबह सुबह की राम राम और आप सभी का फिर से स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो के साथ। और पतिदेव जी आज फिर यहाँ पे लेटे हुए हैं, जिम नहीं गए हैं, लेकिन हाँ भाई मेरा बेटा चला हुआ स्कूल, आज उसका गेम है, जो गेम की प्रैक्टिस कराया ना, वॉलीबॉल खेलता है वो, आज उसका वॉलीबॉल का टेस्ट है। और आज जीत जाते हैं या खेलते हैं, जहाँ हम जैसे भी होंगे फिर वो स्टेट के लिए खेलेंगे, स्टेट के बाद फिर नेशनल के लिए। अभी तो पता ना वैसे ही थकावट से तबीयत डाउन चल रही है उसकी, उसके चक्कर में ऐसा ही हुआ पड़ा। मैंने सोचा और कहीं भी ऐसा नाश्ता वास्ता अच्छे से करा के भेजा, और फ्रूट्स वगैरह स्कूल के लिए भी रख दिए, मतलब हाँ बैग में भी रख दिए, और पैसे भी दे दिए मैं कि कोई वीकनेस हो है तो जूस वगैरह अपने कुछ पी लीजिए, क्योंकि मैं बाहर की चीज़ वैसी चीज़ नहीं खाता, वैसी चीज़ अवॉइड करता हूँ। तो फिलहाल अभी इनका तो यही है, अभी जिम गए नहीं है। मैं इनसे बोल रही हूँ कि भाई जिम ही नहीं जा रहे तो कहीं हमें घुमा के ही ले आओ। सो गए कतई दोस्त नहीं आ रहे। भैया जी, भाई साहब जी, चाचा जी, ताऊ जी, जो भी कुछ हो आपके आ जाओ। 5-6 दिन हो गई इनकी छुट्टी, इनका यही रहे बहाना। मेरे दोस्त नहीं आ रहे मेरे को। कल तो सुंदर भाई भी फोन कर रहे हैं उन्हें सोची तो दोनों ने छोड़ दी जिम तो चलो भाई अभी फिलहाल गोल्डी उठाना, और तब तक उठता है तब तक हम अपना कर लेते हैं काम, पटाते हैं, मन जाते हैं तो कहीं ले चलो घुमाने, कहीं बाहर का ब्लॉग बनवा लो। इनने सच्ची में मेरे ब्लॉगन की कतई धज्जियाँ उड़वा रखी है, हैं खुद तो जाके दोस्तों के साथ बना लाए बालाजी को, जाके बालाजी हो क्या आगे, हाँ चलना है और क्या है अभी तो बताओ जल्दी, अभी कह दो जल्दी सीख, तो ये तैयार हो जाए 5 मिनट में। हाँ मैं भी, मैं तो आगे कर लूँगी जल्दी सीख। हो ऐसे देख लो, ऐसे हेटर्स हो रहे हैं घर में ही खड़े हैं मेरे बोरिंग ब्लॉग्स के कारण ही ये इंसान है। यही इन्हें मेरे चैनल की धज्जी उड़वा रखी है, देख लो चुप है एडी बहुत बोलते। तो भाई चलो मिलते हैं थोड़ी देर में। ये हमारी तो है दूसरी जाली वाली, एक और रखी है ऐसा। हाँ तो भाई हो गया, पति देव जी तैयार, लंच भी पैक होगा, लंच आज हाँ ब्लैक में पतले लगा, साथ छोड़ दो वो तो, जब आप बैठ खेचो ना तो चाहती भूल जाओ। थोड़ा सा तो है यार, सोमवार से सुनो हाँ। कसम खा रहा हूँ मैं, सोमवार से कोई ढील नहीं होगी, पर तू भी योगा करेगी पहले। ठीक है बाय। कैसे लेके जाओ? तो ना है है ही ना, मिलूंगी कहाँ, थोड़ी सी दही बाय। तो भाई पतिदेव जी चले गए अब ऑफिस, अभी फिलहाल मेरे यहाँ पे अपना शेक हम गोल्डी ने बनाया, बाद बहुत टेस्टी शेक बना रखा हो, काजू बादाम वगैरह डाल के अच्छे से, और किशमिश उसमें मतलब सब कुछ डाल रखे हैं। तो फिलहाल अभी घर का काम कर रहे हैं, और आज भाई पतिदेव जी गोल्डी दे के गए, चल कल को दिन और देर पे एक दिन और रेस्ट कर ले, मौज मार ले, कुछ भी कर ले, और सोमवार तक तू भी योगा करेगी और मैं भी अच्छे से मन, चलो देखते हैं, देखेंगे नहीं भाई, टाइम निकालूंगी अपने लिए, क्योंकि लेडीज़ के लिए कभी भी टाइम ना निकलता हूँ, और निकालना पड़ेगा अब ज़बरदस्ती, क्योंकि ना मेरी जो सिचुएशन हो रखी है फ़िलहाल अभी ना सब, अब बैठी बैठी बात कर रही हूँ ना, अब भी लगा लो मेरी सांस फूली फूली सी हो रही है, अभी ये सब हटानी पड़ेंगी, थोड़ा फिट होना पड़ेगा, क्योंकि अब तो आगे एज बढ़ती ही जाएगी। वैसे ही हम 40 के पास आ लिए, 38 की हो जाऊंगी अब मैं, तो हमें कोई शर्म ना और अपनी एज बताने में, बहुत से लोग ऐसे हैं ना कि लड़के अपनी एज ना बताती, और अभी से ही मैं बीमारी की इतनी शिकार हो चुकी हूँ, 2-3 दिन ऑपरेशन हो रखे हैं, तो
अब फिट रहना पड़ेगा, कहने की बात यू है सिर्फ कि अब फिट रहना पड़ेगा, अब जाएगा क्योंकि योगा करने स्टार्ट करने पड़ेंगे। दो दो ऑपरेशन जो हुए हैं उन्हें हुए भी 2 साल हो गए हैं, अब मेहनत करनी पड़ेगी। अभी फ़िलहाल करते काम ऐसा योगा योगा ही नहीं करेंगे, अपने डाइटिंग भी प्रॉपर सेट करेंगे, डाइट खाएंगे अच्छे से योगा करेंगे, डाइटिंग इग्नोर करेंगे। बस जो ये सुबह उठते ही हम पहले हमारा लंच ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ वही होवे रोटी का, यू हमें हटाना पड़ेगा थोड़ा सा। मैं सबसे बड़ी गलती के होवे है कि ना कि हम टाइम पे खाना नहीं खाते। बहुत से लोग तो टाइम टेबल के हिसाब से खावे, लेकिन गांवन में ना खाते ऐसा कि जैसे कि अब टाइम बना लिया सुबह का, सुबह चाय के साथ कुछ ले लिया हल्का फुल्का, फिर थोड़ी बहुत 8-9 बजे से फिर खा लिया, फिर 12-1 बजे अपना लंच करो, उसमें रोटी ना खावे ज़्यादा, रोटी में ऐसी चीज़ ले। हम क्या कर रहे हैं, हमारा लंच ब्रेकफास्ट डिनर सब में रोटी दाल रोटी सब्जी छाछ, बस ये 3 चीज़ रहेंगी, और ज़्यादा और चटनी ऐड कर देंगे, बस ये रहेंगे। अरे अब हमें भी अपना टाइम टेबल सुधारना होगा, कहने की बात यूँ है कि अपने अच्छे से प्रॉपर खाना पड़ेगा, क्योंकि अब अच्छे से खाएंगे करेंगे ना तो ही फिट रह पाएंगे। तो चलो अभी बेटा भी इंगे था बात बना रहा हूँ, जरा इतना लंबा ब्लॉग क्यों कह रहे हो भाई, भाषण लग रहा होगा कि भाषण दे रही है, पर सोच के देखिए ये बात सही है, अपने ऊपर ध्यान दो। तो भाई हम सोमवार तक कर रहे हैं स्टार्ट फाइनली, तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो भाई नहा धो के हो गए तैयार, सारा काम भी हो चुका है, और भी फिलहाल कर लेते थोड़ी देर रेस्ट, क्योंकि तबीयत थोड़ी ऐसी हो रही है, सिर में दर्द से ऐसा हो रहा, तो चलो मिलते थोड़ी देर में। चल रही हूँ बहन, चल रही हूँ तर्जी जी के ब्लॉग तो एडिट कर दूँ, तो गाइस आज तो मैं खूब सोई हूँ, व्लॉग भी एडिट ना हुआ तो 15 मिनट रुक जा बस, 15 आधा मैंने कर रखा है, आधा और कर लूँ फटाफट फिर चलते हैं, ठीक है। तो गाइस जब तक मैं तैयार ना हुई, जब तक नहीं चल चल चल। हेलो राज, हेलो, बढ़िया है रोशन बेटा, फ्रिज में दूध, हाँ दूध रख दे फ्रिज में, दाल मनी रहा था, मैच हो कैसे रही है, सेकंड फर्स्ट कैसे ना आए है, कैसे ठीक है बढ़िया। तो भाई हमारा मोंटी सेकंड आए, हो 40-50 टीम खेली स्कूल में, जाओ ही गए खेलने के लिए, तो सेकंड आया, चल फिर भी कॉन्ग्रेचुलेशन, नेक्स्ट और मेहनत कर, देख लो पार्टी ना हुई तेरी सुबह से, मैं सो रही नींद में ही, भगा भगा आए मम्मी मेरे दोस्त खड़े, 50 रुपये और दिए, अरे आराम जाके 200 रुपया तो सुबह ले गए, मम्मी गरीब वाले भी ले गए, तो बेटा बच्चे इनको इतना पैसा खर्च करने ना बताए, गरीब बेचारा ये ठीक है ना, कोई गुना हो या हमें सेकी ना हो इन गार्डन में, तो भाई चलो कुंडी लगा जाऊं बाहर, देखिए बारिश का मौसम हो रहा हो, जब बहगी तो अच्छा, अभी कहीं कुछ आएगी यूं कुछ आएगी यूं कुछ बढ़ेगी, अभी तो मेकअप चल रहा मैडम को देखिए, अरे मोते हम लड़ने मंड रही, जब ही जाती करके अच्छा मैम ओके, और कछु काली है तो काली आएगी, मैंने पिछले कभी ना लगा कहीं, चल 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 चल, सूटा सूट चल रहा है, रुकिए मत रुक कहीं चले, अरे ओके मैम ओके। तो गाइस टाइम हो गया है 7 बज गए हैं, अभी फिलहाल छोक दिया मैंने इधर सब्जी में छोक लगा दिया है, सब्जी बनाई है आज मशरूम की, सिंपल मशरूम बनाई है, वैसे तो ये बोल के गए मेरे से कि आज मटर मशरूम और चावल बने हो, लेकिन ये मटर लेके ही नहीं आए,
तो फिलहाल अभी खाली मशरूम बनाई है। और वैसे भी मैंने इनसे वैसे मना कर दी, मैंने ये मटर मत लिए, ऐसे ही सिंपल बनाएंगे, क्योंकि मटर अभी हरी वाली तो आना रही होंगी और आ भी रही होंगी तो फिर उनमें वैसे ही है, वे बिल्कुल छोटे छोटे दाने निकलेंगे और फिर वे पैकेट वाली आएंगी, वे उनमें अजीब सी स्मेल आवा है। तो अभी तो फिलहाल मैंने क्योंकि सुबह की सब्जी बची हुई है कुछ तोरी की, कुछ और रखी है फ्रिज में एक कटोरी, अभी मैंने 3 पैकेट लेके आए थे ना एक कल, तो एक पैकेट बना दी ऐसी, 2 प्याज 2 टमाटर डाल के एक पैकेट में, क्योंकि थोड़ी नहीं पड़ेगी सब्जी उस चक्कर में, तो मैं फटाफट बना लूँ मैं खाना। आटा भी लगा रखा है तो खाना बना देते हैं, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। सब्जी भी देखो कितनी टेस्टी और स्वादिष्ट लग रही है देखने में, तो और टेस्ट करके देखते हैं अभी कैसी बनी है। फिलहाल अभी चम्मच कहाँ रख दी मैंने, ये रही था, और वही बैक कैमरा ये देखो एकदम मैसी लग रही टेस्टी, तो भाप आ रही कैमरे पे, और अभी खा के टेस्ट करके जब दिखाऊंगी और कैसी बनी है भाई। वैसे तो बहुत स्वादिष्ट लग रही है, मैक भी बहुत अच्छी आ रही है, तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो भाई यहाँ चढ़ा दिया दूध मैंने, अभी सब्जी डाली है इसमें सारी, देती हूँ। ओए भाई आ जाओ खाना खा लो, रोटी ना बना रही, बन गई रोटी, हाँ गोल्डिया इधर। खाना खा लिया और सब्जी सच्ची में टेस्टी बनी, हमारे गोल्डिया तो पसंद आई ना, या तो बस आलू 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 दाल आलू दाल ये खा जाओ, हाँ पनीर की सब्जी बना लो काय दिन तो, और हमारे सूट ना होती पनीर की तो ऐसा कहेंगे जिसका, और मैं तो पनीर खा लूंगा। फिर कैसी लगी मैं है, पनीर की में ऑयल ज़्यादा हो जाए, बहुत अच्छा था, अच्छी बनती ऑयल भी और मसाले भी। तो भाई खाना खा लिया फिलहाल, अभी अब बस अपना काम करते हैं, काम बस बर्तन धोने रह रहे हैं, और उसके बाद अपने थोड़े से कपड़े प्रेस के पड़े हुए, प्रेस के कपड़े कर लेते हैं प्रेस, तो उसके बाद मिलते हैं, तब तक ये भी आ जाएंगे। और कल है संडे और परसों है मंडे, मंडे को जन्माष्टमी, तो भाई जब आप कल देखोगे तो उससे पहले ही एक दिन में एडवांस में हैप्पी जन्माष्टमी आप सभी को, और संडे की छुट्टी तो है ही, करो एंजॉय अपने और करो जन्माष्टमी की तैयारी, हम भी संडे को ही जाएंगे अपना जो सामान लेके आएंगे थोड़ा बहुत। तो चलो फिलहाल अभी मिलते हैं थोड़ी देर में, जब भी आ जाएंगे। गाइस पति देव जी आ चुके हैं, तलाक के पेपर लेकर ले आई है, कहाँ साइन करके लेके आए, ऐसे ही पेपर ले आया देख मैं। कॉपी यही तो। तो गाइस आ गए हैं, और आते ही कह रहे कि मैं तलाक के पेपर ले आया हूँ, मैं तो आज लेके ही आ जाऊँ, लिख के देंगे अभी। देखो ये ले आया मैं कॉपी, ये ले देखो, तलाक 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 पेज भर रहा हूँ, जो पेज भर रहा हूँ आज काफी दिनों बाद मिली पॉकेट मनी 200 रुपीज, ये सर छो के भग जा अपने घर को, ऑटो किराए किराए को भाई रात भी भग जा, 200 है ना 300 है, तो भाई 300 रुपीज दे दिए कि छो के भग सकती है अपने बॉम्ब किराए को, बगैर तलाक दिए तो जा अपने लौट के भी जा, ठीक है जी, दूसरी नई कॉपी लेके भेज दूंगा मैं, ठीक है चल ठीक।
तो वही अब होगी बात, जा रही हूँ मैं। बिल्कुल ठीक है, बाल करने दे, बाल करने जब भेजोगे ना दो दिन, जब बाल करने दो दिन स्कूल भेजोगे ना उठ के, पता पड़ जाएगी है ना। एक दिन तो मैं गाँव चली गई, एक दिन तो जिम गए नहीं तुम। मैं सोमवार से बता कसम खाली मैं जिम नहीं छोड़ूंगा। आज मेरे पास गैस पता कहाँ पड़ गया, लेट खाई रोटी वोटी, फिर मैंने गैस की गोली ली, फिर एक मैंने दवाई चूसने वाली थी, फिर मेरे डकार आई, फिर मेरे हार्ट आए, मैं ठीक हुआ। नहीं तो आज मैं भाग रहा मन की भाई आज ईसीजी करनी पड़ेगी, कॉपी करेगी। फिर मैं रुक गया मन भाई, तो उन्होंने बताई फिर आप भूखे रहो ना, 3:30 बजे रोटी खाई, सुबह कहाँ खा गया दूध या दही पी करो, सुबह दूध पिया है घर पे, बनाना शेक जाती बार बनाना शेक पिया है, तो एक ही पे पिया भूखे तो नहीं, नहीं पहले दूध पिया, तो दूध तक गैस बन गई, फिर दूध पहले दूध पी लिया फिर बनाना शेक पी लिया, तो फिर कुछ ना खाया 3:30 बजे तक। तो आपकी गलती है ना लंच तो दे के दिया मैंने, मेरी गलती सब है और क्या, मेरी गलती है, देख के आया हूँ मैं, फिर भी ना मुकर पाया। गई कैसे आप देखने, चलो आज यही बात बता दो आप भाई, जब रिश्ता होगा 2003 की बात है, 4 में तुम्हारा ब्याह हुआ, मेरे दोनों ना कोई सवारी ना कोई, तीन का ना चार की है लेकिन रिश्ता 3 में हुआ, रिश्ता की बात है 3 के लास्ट में हुआ या दिसंबर में, तो जनवरी फरवरी मार्च का टाइम हो शायद, मार्च का टाइम हो 2004, इतनी याद है ना, 3 या 4 की बात है ना, मेरे को तो याद है ना, ब्याह तो पहली बात है, रिश्ता होगा गुड्डी दीदी पढ़ाई गई, हाँ मामा के घर स्कूल में पढ़ाई गई टीचर, जब तुम चारों पढ़ी हुई, हाँ तो तभी आई थी, होगी होली की छुट्टी पड़ी 4-5 दिन की, संडे की होली दुलैंडी बोलो कहीं कहीं की पड़ी, तो तब वो घर आई, हम सारे जब वहाँ पढ़े, अभी पॉइंट टू पॉइंट मोन पता कुछ नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं अपनी सीधी बता रहा हूँ, तो मगन ही ना, मैं तो बर्बादी की तरफ जा रहा हूँ। अच्छा, अब ना तो कोई मेरे दौर मोटरसाइकिल कुछ ना है मेरे दौर सवारी, मैं स्कूल में तो पढ़ाया ना, लाइसेंस ना कुछ, मैं कई दिन तक जुगाड़ लगा रहा, कैसे जाऊँ कैसे, इनके को बस भी ना चले, क्यों चले बस सोने तक छोड़े ही, सोने तक कैसे जाऊँगा फिर, और तो बतेरे चले, कितने पैसा कमाए रह रहे जिम में, कितना फूक पाक कर चला जाऊँगा। अच्छा फिर वही 2-400 रुपये जिम रहे भाई, वहाँ टाइम 2-400 में भरा जा रहे, 2-400 बोल रहे उस टाइम पे, तो पता ना कहाँ बस छोड़ेगी, कहाँ पे जाऊँगा। हाँ हाँ चलो वो छोड़ो, आगे बताओ। फिर आगे मेरा मामा, अरे एक मामा के दोस्त ना, आगे मामा बटा ली, मैंने मामा बटा दिया, मामा ऐसे बात है, नहीं बात है हमारा मामा, मैंने कर दिया इमोशनल पूरा, तो मामा ने कहा तेरा मामा आएगा चल फलाना देखना, फुल चढ़ा दिया मामा भैया, स्प्लेंडर मोटरसाइकिल चली चली जब लाल कलर की स्प्लेंडर ही, हम तीनों बैठ के घाटे में, जब भी रोड नया घाटे पहुँचे, घाटे में गली कट गए उल्लादास कादरपुर बैरमपुर में, फिर रिठौज के पीछे कर जो पुलिस ने पकड़ लिया ना, हाईवे बना भाई, हाईवे तो वही कहाँ है ना, मतलब जो सिंगल जैसा रोड भी है जो भौंडसी वाला जहाँ पकड़ना भाई, बादशाहपुर वाला पड़ेगा थोड़ा सा हाईवे, अरे वही हाईवे है उस टाइम, अब चौड़े कर दिया तो हम हाईवे लगे, वहाँ टाइम के वही हाईवे जू ही तो चौड़े करें, तो हम हाईवे पर न गए, हम गाँव गाँव गली कट के पहुँच गए, अब पहुँच गए लोटकी, लोटकी में पूछे हम सतबीर दो, अरे गुड्डा गए मन की बाबा सतबीर के जाना है, लेकिन सतबीर कौन सा, अब मैं मामा हम देखा तो सतबीर कौन मन सतबीर, सतबीर दो है बेटा, बहुत देर ध्यान लगा के बाद हम चल दिए आगे को, फिर हमने की जो DTC में नौकरी कर रहे हैं, तो उसने कहा हाँ वो तो खेत के बाहर गांव के बाहर खेत पर आए वहाँ पुणे पर, मान से DTC वाले के जाएंगे, फिर जाके आ गए हमने देखे, मैंने बताइए ऐसे जियो और जहाँ तो मुड़ेगा ये उन्हीं के घर है, तो ऐसे ही हम मुड़े, हमने खेत में देखा हाँ दो घर है भाई, मौसी आई बेटा कैसे खड़े हो, मन की तेल खत्म होगा जी, जब तेल भी मिलेगा पानी भी मिलेगा तो आ जाओ, अब मन की माँ समझ गए दिखे, तो कह रहे हैं मन की तू समझ के समझा के जो भी तुम नजर मार जल्दी से, तुम चार खड़ी
चारों खड़ी था तो जो तुम वहाँ आगे रास्ते से तो घर भी आ जाते गरी कितनी दूर है तुम कुछ तुम कहाँ करोगे तुम हम कहाँ गएंगे करी तुम कुट्याले कुट्याले के बाद आज की बात है 20 साल हो गए 20 साल पहले हम बालक आज तो मैं बढ़ जाऊँ किसी के भी जो कहा तेल भी मिलेगा जो भी मिलेगा वो मिलेगा मैं नहीं मामा जल्दी मोटरसाइकिल स्टार्ट कर तू भाग यहाँ से यहाँ तो पकड़ी गई चोरी पकड़ी गई बात चोरी पकड़ी अब पर मैंने भगते भगते नजर मारी तुम चारू खड़ी मैं भाई चारू ठीक है मामा कह रहा देख ली मर गई मामा चारू देख ली कह रहा कैसे मर गई चारू देखी जो आएगी नसीब में पूरा नसीब है मेरा ये आया बताओ अपने आप देख के आए अच्छी तरह से कैसे गए कि औखंदे की कैसे कह रहे बताओ मैंने कह रहा अब तो क्या होगा तो जीवन काट नहीं है हमें आने से पहले घर फोन आ लियो गाइस मैं बताऊं ये तीन जने एक मामा के दोस्त है की तो कैसे लगी तो सुन तो लो सब सिंपल पिछन रहे बीच में बैठे बीच में भी हेलमेट ओढ़ गए चे तो आगे या तो आगे वाला हेलमेट हो तो या फिर हाथ में हेलमेट हो तो सब समझ में आ रही बीच वाला हो ये बीच में ही जो है मैं यहाँ भी बीच का हूँ वैसे बीच का ना हूँ मैं एक बड़ा हूँ एक छोटा है मैं बीच का हूँ हाँ तो फिर समझ में आ गई खूब अच्छे थे कि आप भाई ये वहीं ताई है डेरे ताई सब समझ गए हमारे घर पे जब भी तुम्हारी मौसी ने कही तुम तक आ जाओ घर को फिर तो भाग गए फिर आप जा रहे पहले तो ऐसे गए बाइक जब हम दिख गए फिर रुकी बाइक एकदम से फिर वापस आई वहाँ तक 12 के दौरे तक फिर गए तो तेरे सपने को राजकुमार दिखो कैसा लगा जब मुंह दिखाते जब भी तो दिखते हो तू तो कूद के बांध पालने में दिख जाए तो दिखो लंबा ठाड़ा है या हमें तो जो दिख रही है बस तीन जने हैं मैं सब खून से किसको कह दे हेलमेट लग रहा होगी समझ ले जो हेलमेट वो यूं तो समझ गई भाई ये भी चाल है ये पर सिकल तो दिखी है ना काश सिकल देख लेती फिर तो जब ही भग लेती मेरी गैल बीमारी की मारी है ये इन्हें जुआ नहीं चढ़ रही है ये मारते है थोड़े से मशीन तोड़ दी दौड़ लगा लगा के तो चलो गाइस अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में ये तो लड़ते रहेंगे आज सुबह कह रहे तू दो दिन का टाइम और दे दो ने बोला खींचने बोला ट्रेडमिल ला सब सोमवार तक तू पहले यो करेगी जब मैं आऊंगा तू सोमवार को तो मेरे व्रत रहेगा जन्माष्टमी का कुछ ना होगा ना भाई योगा नहीं होगा घर का काम करूंगी निर्जल व्रत रहेगा 12 बजे तक दिन के रात के दिन के भी रात के भी 12 खा लेगी हां फल फ्रूट खा मतलब जैसे इन्हें करे ना नवरात्र वाले ने इस टाइप के ना हो ये बहुत से लोग करे हैं ऐसे ही सुबह जोत लगा देते हैं और फिर दिन में कुछ भी खाते रहते हैं भाई हम तो पहले भी जो हमारे सोमवार के नवरात्रि इनके ये व्रत रह गए ना हम अपने गांव में भी ऐसे करे कि 10-11 बजे या 12 बजे मतलब सुबह जोत लगा दे फिर 11-12 बजे जब दोबार थे जल दे के सूरज सूरज को जल दे के जब कुछ खा लेंगे इनकी ससुराल की शिकायत चलती है बहुत बुरी शिकायत है हां क्या शिकायत है हमने कोई गाड़ी दे दो छोटी मोटी ज्यादा ना कोई फॉर्च्यूनर वॉर्चन पकड़ा दो तो चल ले जाएंगे गाइस देख लो कितने लोभी आदमी हैं दहेज मांग रहे बुढ़ापे तक दहेज मांगते दहेज के सख्त खिलाफ है हम अपन बाल का रुपए 1 रुपया तस्ता कर दहेज थोड़ी मांग रहा हूं गिफ्ट मांग रहा हूं मेरे सासु देगी गिफ्ट मेरे तो वो सासु तो उम्मीद और नौ है जब उम्मीद गिफ्ट मांग रहा हूँ वैसे तो भाई हम अब रहेंगे सोमवार को जन्माष्टमी सारी इतनी बड़ी टेंशन मैंने अपने ऊपर ले रखी है कम से कम यही देख लो मैं टेंशन हूँ
उनकी तो है, उनकी कैसे टेंशन हो, जब तो ब्याह दी तो बिगाड़ बिगाड़ उन्हें ऐसे, तो तुम भी ब्याह दी मैं भी टेंशन हूं और क्या, मैं भी तो टेंशन झेल रही हूं, ऐसे इन बातन में लगेंगे ना फिर अड़े ही रह जाएंगे, कैसे लगा, खाओ पियो मौज करो ऐश करो बस, कैसे लगा मेरा मजा, तुम रोटी का भूख लग रही है, हां दी गंद दी रोटी ना देवे, तो चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक करो अपने वाले व्लॉग एंजॉय, आई होप आपको कल है संडे और एंजॉय करना अपना संडे, कल आराम तक सोना फिर परसों ना सोना ना सोन दूंगा, चलो गाइस मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, टाटा बाय बाय, राम राम, जय श्री राम, राम राम जी।